हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स किचन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और जो बहुत ही कम तेल मसालों में तैयार किया जाता है और बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाता है, जिसे हम लोग लाल साग या रेड स्पिनच कहते हैं। वैसे तो इस साग को कई तरीकों से बनाया जाता है और ये बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बन लाल साग लिए हैं। तो इसे अच्छे से साफ करके और इसे सबसे पहले अच्छे से वाश कर देंगे। वाश करने के बाद हम इसके पत्तियों को अच्छे से निकाल लेंगे, देखेंगे कि अगर डंठल भी सॉफ्ट हो तो उसे भी हम बना सकते हैं, अच्छा होता है वैसे खाना। उसके बाद से इसे अच्छे से वाश करने के बाद इसे बारीक चॉप कर देंगे। बारीक चॉप करने से साग जल्दी हमारे गल जाएंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। तो ऐसे ही अपने साग को ऐसे बारीक चॉप कर लेंगे। तो अब ये साग बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। एक बड़ा साइज का प्याज कट कर लिया है बारीक, दो हरी मिर्च, जीरा, मेथी, अजवाइन तड़के के लिए। तो अब इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई को गैस ऑन करके चढ़ा देंगे। जब हमारे कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें तेल डाल देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जो हमने तड़का के लिए इंग्रेडिएंट्स तैयार किया है उसे डाल देंगे। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा, अजवाइन, मेथी और कटा हुआ हरी मिर्च। इन सबको डालकर एक मिनट तक भूनेंगे। जब उसके बाद से जो बारीक कटा हुआ प्याज है उसे डाल के प्याज को अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद से हम अपने साग को डालेंगे। तब यहाँ हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब जो कटा हुआ साग है उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे और इसे बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि हमारे साग अच्छे से गल जाए और अच्छे से पक जाए। तो ऐसे ही अब हम ढक्कन हटा के साग को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर अगर पकाएंगे तो हमारे साग जल जाएंगे, तो इसलिए लो फ्लेम पर इसको ऐसे ही ढक कर पकाएंगे, बीच बीच में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा साग गलना स्टार्ट हो गया है और ये पानी भी छोड़ने लगा है। तो ऐसे ही करके अपने साग को अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि साग भी गलना लगभग बनना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे हाई फ्लेम करके इसके जो पानी है उसको सुखाएंगे। तो इसे हाई फ्लेम करके अच्छे से साग को मिक्स करके चला के उसे मैश करके, तो इस तरीके से अपने स्पून की मदद से अपने साग को ऐसे मैश करेंगे ताकि इसमें अच्छे से गल जाए और मैश होने के बाद जो हमारे पानी है अच्छे से सूख जाएंगे। तो इस तरह से अब लगभग हमारा साग बनके तैयार हो गया है। तो इसे हाई फ्लेम पर करके इसे ऐसे ही स्पून की मदद से मैश करके और इसे पानी को सुखा लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे साग पानी कितने अच्छे से सूख गए हैं और गल भी गए हैं और लगभग बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से साग को अच्छे से मैश करके इसके पानी को सुखा लेंगे। इसमें पानी थोड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे ही करके इसे मैश करके अब आप देख सकते हैं कि हमारे साग के पानी पूरे अच्छी तरह से सूख गए हैं और अच्छे से गल भी गया है। तो ये बनके तैयार हो गया है। तो इसे बनने के बाद अब हमारे किसी प्लेट या बाउल में निकाल लेंगे और इसे आप जो चाहे उसके साथ खाए, रोटी या चावल या किसी भी चीज के साथ मन करे उसके साथ आप खा सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारा साग बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम तेल मसालों में बन के तैयार हो गया है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसे तरीके से अपने लाल साग को आप लोग भी बनाना जरूर ट्राई करें। तो अगर आज की रेसिपी की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।